चरों के अज्ञात गुणांक का मान पता करना। आपने अब तक विभिन्न परिस्थितियों से निर्मित समीकरण निकाय को हल करके उनके चरों के मान प्राप्त करने के तरीकों को देखा, जिसमें चरों के गुणांक हमें ज्ञात होते थे। पर यदि समीकरण निकाय के किसी एक चर का गुणांक अज्ञात हो, अर्थात समीकरण निकाय निम्नलिखित रूप में हो, 2x + 3y - 5 = 0, kx - 6y - 8 = 0, तब भी हम समीकरण निकाय को हल करके उनके चरों x, y और k का मान ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 21, k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा? x - ky = 2, 3x + 2y = 5। हल दिया गया समीकरण निकाय x - ky - 2 = 0 और दूसरा समीकरण है 3x - 2y - 5 = 0। यहाँ हम x - ky - 2 = 0 को a1x - b1y - c1 = 0 से तुलना करने पर a1 का मान हमें, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1, b2 का मान y का गुणांक है ऋण के, तो b2 = -k हो गया, और उसी तरह से c1 का मान -2 हमने ले लिया। उसी तरह से दूसरे समीकरण की तुलना हम a2x - b2y - c2 = 0 से करेंगे, तो हमें a2 का मान मिलेगा 3, b2 का मान 2 और c2 का मान 5। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अतः दिया गया है हमारे पास कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, अतः हम यह जानते हैं कि a1 / a2 = b1 / b2 के, और इसका मान बराबर होता है c1 / c2 के, या a1 / a2 में हम लिखेंगे, इसका मान रखेंगे a1 और a2 का, तो हमें प्राप्त होगा 1/3 बराबर नहीं है b1 का मान ऋण के और b2 का मान 2, तो ये हो जाएगा ऋण k / 2, या 2 का तिर्यक गुणा करेंगे और ऋण 1/2 का पक्षांतर करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2/3 बराबर नहीं है k के, या k का मान बराबर नहीं है ऋण 2/3 से। हमने यहाँ पे अंश और हर में ऋण 1 का गुणा किया, तो हमें प्राप्त हुआ ऋण 2/3। इस तरह से
के का मान बराबर नहीं है ऋण 2/3 से, तो के ऋण 2/3 के मान अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो k का मान बराबर नहीं है ऋण 2/3 से, तो k के ऋण 2/3 के मान अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। यह इस उदाहरण का हल है।